नमस्कार, मैं रेणुका दत्ता घर जंक्शन के इस सेगमेंट में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम है सीजन वन प्रोजेक्ट पे, जो कि टॉलेस्ट टावर इन द टाउन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने घर जंक्शन के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बिल्कुल ही फ्री है। और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे पुराने और नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। Welcome to the landmark to design to make your life completed. Seasons 1 it's all about to one more line out. Seasons 1 it's the tallest tower in the town and it's a 34 story rights tower and it's a RERA approved project. अगर हम यहाँ पे amenities की बात करें तो amenities में आपको G+5 level of car parking मिल जाती है। Level 6 20,000 square feet recreational podium जिसके अंदर आपको reflexology pathway, high tech gym with the steam and changing room available हो जाता है। बच्चों के लिए kids play area, सीनियर सिटीजन एरिया आपको अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे आपको जो है पार्टी लॉन्च मिल जाता है। पार्टी लॉन्च में आपको आप आपके फैमिली के फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट कर सकते हो। आपके बिल्डिंग के जो भी फेस्टिवल्स या आपके सोसाइटी के जो भी फेस्टिवल्स यहाँ पे होते हैं वो भी आप इस पार्टी लॉन्च में सेलिब्रेट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके घर में कोई इंगेजमेंट है या कोई वास्तु पूजा होती है तो आप ये पार्टी लॉन्च में कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है वॉकिंग ट्रैक मिल जाता है। यहाँ पे आपको गार्डन अवेलेबल हो जाता है जिसमें आपकी फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। आपके जो घर में सीनियर सिटीजन है उनके लिए वॉकिंग के लिए एक स्पेस अवेलेबल हो जाता है आपको। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक एरियाज में CCTV कैमराज अवेलेबल है जिससे आपको सेफ्टी पूरी तरह से मिलती है। और यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, यहाँ पे आपको योगा और मेडिटेशन रूम मिल जाता है जिसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका जो माइंड का स्पेस है वो आपको आपके रेजिडेंशियल एरिया के अंदर ही मिल जाता है। यहाँ पे आपको मेडिटेशन एंड योगा पर्पस स्टूडियो अवेलेबल हो जाता है। ओपन ग्रीन स्पेस अवेलेबल है जिसमें आप आपके मॉर्निंग की एक्सरसाइज कर सकते हो। आपको यहाँ पे हर एक एरिया में CCTV फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। आपका सेफ्टी का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। हाई स्पीड एलिवेटर है विथ ARD। इसका ARD का मतलब होता है अगर आपकी लिफ्ट कहीं पे स्टक हो जाती है कौन से फ्लोर पे तो वहां से आप एग्जिट ले सकते हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इंटरक्रॉन फैसिलिटीज है और ऐसे मेनी मोर फैसिलिटीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। चलिए जानते हैं सीजन्स वन की कनेक्टिविटी के बारे में। अगर मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करूँ तो सीजन्स वन से आपको कल्याण स्टेशन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। शहर स्टेशन आपको 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम बात कर रहे हैं डेली ग्रोसरीज के बारे में। तो हमें अगर हमारी डेली की ग्रोसरी शॉप करनी हो तो हम कहाँ जाए तो ये भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। रिलायंस मार्ट, रिलायंस फ्रेश, डीमार्ट आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल हो जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आपको रिंग रोड फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। जैसे कि आपको ऑटो और बस रिंग रोड अवेलेबल है जिसमें आप हर जगह कल्याण से कनेक्ट कर सकते हो। कल्याण, थाने, भिवंडी रोड जो है यहाँ से आपको कनेक्ट करता है। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो मेजर बैंक्स है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स जैसे कि बिरला स्कूल, बिरला कॉलेज, रीटा मेमोरियल स्कूल्स, आपको यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो है ना ये कमाल की बात। सीजन्स वन आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर बात की जाए कमर्शियल स्पेसेस की तो सीजन वन आपको प्रोवाइड करता है G+3, जिसमें G+1 जो है शॉप्स है और सेकेंड और थर्ड फ्लोर पे आपको ऑफिस स्पेस अवेलेबल हो जाता है। इसमें ओवरऑल 22 ऑफिसेस है जो कि सेल्फ कनेक्टेड है। इसका मतलब आपको रेस्ट रूम भी अवेलेबल हो जाता है। अगर कमर्शियल स्पेसेस के वेरिएशन की बात की जाए तो यहाँ पे जो है मिनिमम 360 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया है और मैक्सिमम 5700 स्क्वायर फीट एरिया है। फ्लैट की वेरिएशंस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सभी तरह के फ्लैट्स अवेलेबल हो जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा लग्जरियस और प्रीमियम है, जिसमें 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK जोड़ी फ्लैट्स अवेलेबल है। 2 BHK की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएशंस मिल जाते हैं जिसमें 680 स्क्वायर फीट यूजेबल एरिया और 820 स्क्वायर फीट यूजेबल एरिया है। 3 BHK की बात करें तो यहाँ पे 1075 स्क्वायर फीट यूजेबल एरिया है। अगर हम 4 BHK की बात करें तो यहाँ पे आपको जोड़ी फ्लैट्स अवेलेबल हो जाते हैं जो कि 1900 स्क्वायर फीट यूजेबल एरिया है। आइए जानते हैं 3D इमेज के द्वारा 2 BHK 820 स्क्वायर फीट फ्लैट के बारे में। फ्लैट में एंटर करते ही हमें फोयर एरिया जो है 25 स्क्वायर फीट मिल जाता है अप्रॉक्सीमेट। वहां से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं हमें लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया देखने मिल जाता है। अगर हम लिविंग एरिया की बात करें तो लिविंग एरिया आपको 11x20 और डाइनिंग एरिया आपको जो है 10x3.3 के डायमेंशन में देखने मिल जाता है। अगर हम दोनों के कम्बाइन की बात करें तो आपको टोटल 250 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है और इसके साथ ही आपको अटैच बालकनी भी दी जाती है जो कि अप्रॉक्सीमेट 50 स्क्वायर फीट है। यहाँ से
सेक्शन में आगे बढ़ते हैं किचन की तरफ, जो किचन जो है हमें 8.3x10 के डायमेंशन में देखने मिल जाता है और इसके साथ आपको 40 स्क्वायर फीट की अटैच बालकनी भी मिल जाती है जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर ये सब रख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं बेडरूम वन की तरफ। बेडरूम वन की जो डिजाइन है वो काफी सुंदर तरीके से बनाई गई है। बेडरूम वन जो है 130 स्क्वायर फीट में बना हुआ है करीब करीब। तो व्यूअर अगर आप यहाँ पे बेड भी रखते हो तो इसके बाद आपको बहुत ज्यादा स्पेस अवेलेबल हो जाता है जहाँ पे आप स्टडी टेबल, डिजाइन एरिया बना सकते हो। यही से आपको एक कॉमन बाथरूम मिल जाता है जो कि 32 स्क्वायर फीट में है और यहाँ इससे ही अटैच आपको सर्विस एरिया प्रोवाइड किया गया है जिसे आप ड्राई एरिया भी बना सकते हो। सामने ही आपको वाइट पैसेज मिल जाता है जहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम काफी लैविश और स्पीशियस है। यह बेडरूम करीब 130 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। तो व्यूअर्स ये था 820 स्क्वायर फीट यूजेबल कारपेट एरिया का फ्लैट। सोचिए अगर आपको एक फ्लैट इतना सुंदर और लैविश देखने मिल रहा है तो इनके बाकी के जो फ्लैट्स हैं वो कैसे होंगे, 2BHK, 3BHK, 4BHK जोड़ी फ्लैट्स। तो प्लीज पिकअप द फोन एंड रीच आउट द नंबर विच इज गिविंग बिलो, क्योंकि मुझे लगता है आपके सपनों का घर आपके एक कॉल की दूरी पर है।